ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि बिहार की जनता जिसने सब ने मिल के जो वोट किया है आरजेडी को, उसके आने वाले मतलब कल जब सीएम का अनाउंसमेंट होगा, कल पूरा रिजल्ट आने वाला है, तो कह सकते हैं कि ये तेजस्वी यादव जी के लिए और बिहार वासियों के लिए डबल सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि आज तेजस्वी जी का जन्मदिन भी है और उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक, तो वो भावी उम्मीदवार हैं और ये ऑफिशियली कल नतीजा आने के बाद अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से सुबह से मीडिया कर्मी का और उनके चाहने वालों का कांटा लगा हुआ है, और देख लीजिए किस तरीके से सब लोग धूप में खड़े होकर उनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, दूर दराज से, अलग अलग राज्यों से, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। आप समझ सकते हैं कि 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, 38 ज़िले से लोग चल के आए हैं अपने चहेते नेता को मुबारकबाद देने के लिए और एक उनकी झलक पाने के लिए। तो सबलाइन न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तेजस्वी जी को, ताकि उनका बर्थडे का भी मुबारकबाद है और जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उसके लिए भी। धन्यवाद।